हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता आपको मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, अभी का जो वीडियो है ये है क्रिस्टल एनर्जी अपडेट, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, क्या चला उनके दिल और दिमाग में, क्या वो शेयर करना चाहते हैं जो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके थॉट्स में क्या कुछ चल रहा है। अगर आप कांटेक्ट में हो या फिर नो कम्युनिकेशन में हो, ब्रेकअप हुआ है या फिर आप एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हो, मुलाकात भी कर रहे हो, फिर भी इनके अंदर क्या कुछ चल रहा है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन को लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए। तो वीडियो को पॉजिटिव होकर सुनना है, ध्यान से सुनना है, जितना रेजोनेट करे उतना लेना है, बाकी को जाने देना है, ठीक है। चलिए पॉजिटिव हो जाइए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए कि वो कहना क्या चाहते हैं और वो छुपा क्या रहे डियर आपसे, ठीक है। देखिए डियर, यहां पे देखा जाए तो इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे हो, ठीक है। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे हो, दोनों कहीं ना कहीं एक घुटन सा महसूस कर रहे हो डियर, ठीक है। क्या बात है, कहीं ना कहीं आप दोनों किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हो, या फिर आपके पार्टनर अपने लाइफ से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर अपने कोई सिचुएशन से जहां आपको प्रॉब्लम हो रही हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं दोनों को देख पा रही हूं कि आप दोनों की एनर्जी है कि आप ये महसूस करो कि आपको कहीं से निकलना है, ठीक है। और यहां पर मैं देख रही हूं कि आपको ना इस वक्त यूनिवर्स इन जस्ट ब्लेस्ड कर रहे हैं डियर, ठीक है। और देखिए, इस वक्त अगर आप सोच रहे हो कि मैं कब तक आगे बढ़ूंगी और आपके पर्सन आपके लाइफ में कब तक आपको जस्टिस देंगे, अगर ये विचार आपका इस वक्त चल रहा है तो मेरे बहुत व्यूअर्स की एनर्जी बिल्कुल यहाँ पे थॉट्स में देख रही हूँ आपके लिए मैनिफेस्टेशन का है। ये कभी भी किसी से आपके थॉट्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं अगर आप सोच रहे हो तो। इस बार आप लोग व्यूअर्स बहुत दुखी भी हो, एकांत में रो भी रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे बहुत व्यूअर्स खुद को कभी कभी बहुत रो रहे हो, कभी आपको हेडेक महसूस हो रहा है, कभी आपके बॉडी में कुछ अजब सा फंक्शन हो रहा है, मतलब कुछ कुछ आपके बॉडी में भी हो रहा है, सर में हो रहा है, दिमाग में हो रहा है, कभी आप रोते हो, ठीक है ना। कुछ लोग बैलेंस है, लेकिन फिर भी आप बैलेंस होने के बाद भी थोड़ा सा नॉलेज आप और पाना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपका उन्होंने दिल दुखाया, ये कहना चाहते हैं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, शायद बहुत दिल दुखाया उन्होंने आपका, ठीक है। पास्ट में बहुत दिल दुखाया है, लेकिन ये पर्सन अभी इस पर एकांत में है, बिल्कुल शांत है, ठीक है। और अगर ये मैरिड है, ठीक है, तो डियर मैं यहां बोलूं कि अगर आप मैरिड पर्सन के साथ एंगेज हो, प्यार करते हो, तो ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। जहां देखिए दो तरह की एनर्जियां मुझे क्यों यहां नजर आ रही है, कुछ लोग लीगल इश्यू से गुजरना चाहते हैं या फिर कोई बिल्कुल बैलेंस करना चाहते हैं लाइफ में। लेकिन मैं यहां कह दूं डियर कि अभी अभी अचानक से आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, तो इस वक्त मैं कहना चाहूंगी कि आपको रोने धोने की जरूरत नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि किसी के पर्सन ऐसे भी हैं कि आपको भी फंसा कर रख रहे हैं, मैरिड है, वो फैमिली भी है उनकी, करंट पार्टनर भी है, उनके अलावा भी इनका कहीं और फ्लर्टिंग चल रहा है डियर, ठीक है। सबसे बड़ी इनकी अभी इनको इनके लाइफ में टावर मोमेंट नहीं आया डियर, अगर आपको इन्होंने झूठ बोला है और बिल्कुल ब्रेकअप कर चुप हो गए हैं तो डियर इनके लाइफ में अभी टावर मोमेंट नहीं आया अब, लेकिन इनके लाइफ में आ सकता है। क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो और आपको ये दर्द और पेन हो रहा है, तो ये पर्सन आपको छोड़कर, अपने करंट पार्टनर को छोड़कर, अगर ये मैरिड हैं तो किसी और के साथ भी इंगेज है डियर, जहां इनको फिजिकली किसी से होना बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इनके लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी याद वहां आती है, गिल्ट होता है इन्हें, लेकिन इनका ईगो, इनका जो थॉट्स है बिल्कुल गंदा है, और कहीं ना कहीं अभी इनके अंदर वो डर नहीं आया डियर, थोड़ा सा आपको बचना है यहां से, ठीक है। यहां पे मैं बोलूंगी अगर आप रो रहे हो तो मत रो, ठीक है, यहां आपको रोना नहीं है, इस बंदे को बिल्कुल स्पेस दे दो। आप देखो आने वाले टाइम में कैसे गिर गिराता है बंदा,
ये बंदा जो भी पर्सन मेल हो फीमेल हो, देखिए कैसे कुछ समय के बाद आपकी तरफ गिरगिराता है और यही आपकी तरफ कॉल मैसेज करेगा, ठीक है। और कुछ के पर्सन अपनी गलतियों को ढूंढ रहे हैं, जो कि यहाँ अभी अभी लगता है काफी महीनों से आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही, अगर हो भी रही है तो ये पर्सन के अंदर गिल्ट है, ठीक है। ये पर्सन कभी कभी रो रहे हैं, लेकिन कुछ के पर्सन आपको धोखा भी दे रहे हैं डियर। रात में उठ उठ कर आपसे ना बातें करके किसी और से फ्लर्टिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, और आपको क्या फर्क पड़ता है, ये आपको जेलसी भी फील कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जलने की जरूरत है, इनकी आदत ही होती कि आपको जलाएं और आप उनके तरफ कॉल और मैसेज करो, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। लेकिन किसी के पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं, उन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको जीवन साथी बनाना चाहते हैं और ये इस वक्त कहना चाहते हैं मजबूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकी प्लानिंग आपको लेकर चल रही है डियर। ये मिलना चाहते हैं आपसे, सबसे बड़ी बात ये मिलना चाहते हैं आपसे, लेकिन कुछ के पार्टनर खुद को रोक रहे हैं डियर, ठीक है। वो अभी भी आपके तरफ कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इधर तो मुझे लग रहा है मेरे कुछ व्यूअर्स आपको 1 वीक तक ये बंदा कॉल मैसेज नहीं करेगा, जो फ्लर्टिंग कर रहा ऑनलाइन होगा, रात में किसी और से बात करेगा, आपको स्पाइक करेगा, जेलसी फील करेगा। तो इस वीडियो को आप देख रहे हो तो खुद को ठान लो कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये बंदा ऐसा कर रहा और अभी इस वक्त आपको 1 वीक तक ये कॉल मैसेज नहीं करेंगे डियर, ठीक है। ये फ्लर्टिंग कर रहा, आपको जलाना चाहता है, लेकिन कुछ के पार्टनर 1 वीक के अंदर आपके तरफ कॉल मैसेज, रियूनियन, बात करना और आपको मनाना, सॉरी फील करना, ये 1 वीक के अंदर होने वाला है डियर। और 1 वीक के अंदर जिनका ईगो घमंड है वो 1 वीक के बाद आपके तरफ कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि अभी आप आंसुओं से रो रहे हो और इस साथी ने जिनको आपने जीवन साथी बनाने की चाह थी, जिसने जिन्होंने आपको प्यार तो दिया, ऐसा नहीं है, आपको शुरुआत में प्यार बहुत दिया, अब बहुत इनका मन उब चुका था आपसे, ठीक है। ये मैरिड भी हो सकते हैं डियर, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मैरिड भी बंदा हो सकता है या हो सकती है। इनको दुनिया में पैसे, सेक्सुअली, फिजिकली होना बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है, और ये बंदे से आपको इस वक्त बचना है। अब किसी के पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूं, मैं अपने जीवन साथी के रूप में तुम्हें देखता हूं या देखती हूं। देखिए डियर, शाम और रात ये दो वक्त आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, शाम के समय अगर कभी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर शाम की जैसे चाय होती है, कॉफी होती है, कुछ भी होता है वहां पे आपको ये मिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे उम्मीदें बहुत थी शाम के वक्त, उनका इंतजार करना, बात करना, उनको रिसीव करना, उनका हाल समाचार लेना। तो यहाँ आपको इमेजिन करें एक फैमिली का हिस्सा बनाना, ठीक है। देखिए ये पर्सन को शाम ढलते ही इनकी ना एनर्जी डाउन होने लगती है आपको लेकर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। और देखिए डियर, इनके अंदर एक डर इस बात का है कि प्यार तो बहुत करते, हिम्मत जुटा नहीं पा रहे ये पर्सन, ठीक है। ये कह रहे कि याद तो हर वक्त आते हो, मैं मजबूर हूं, मुझे माफ कर दो, आई मिस यू, कैसे समझाऊं कि तुमसे कितना प्यार करता हूं, ठीक है। यहाँ पे पर्सन आप ये कहना चाहते हैं, लेकिन फिर मैं यहां बोल रही हूं कि ये पर्सन रोते हैं, ठीक है। एक पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, एक पर्सन आपको प्यार करते हैं, तो हो सकता है डियर ये पर्सन को आप नहीं समझ पाए जिन्होंने आपसे चीटिंग की, धोखा दिया। देखिए ये फ्लर्टिंग कर रहे हैं डियर, आप देखिएगा ये रात में ऑनलाइन रहना, ये आपको जेलसी भी फील कराते हैं डियर, ठीक है। सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ये बिजी रहते, सोशल मीडिया में भी इन्होंने फ्रेंड बनाया है डियर। ये फ्लर्टिंग नेचर का आदमी, इसके पास ऑप्शन बहुत है। अगर आप मैरिड कपल के साथ हो तो ये पर्सन अपने लाइफ पार्टनर, जो अभी करेंट पार्टनर, उसके साथ भी इसको मतलब नहीं है, बस मेरी फैमिली है, सोसाइटी है, समाज है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, लेकिन उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, याद रखना, उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अभी ये बंदा फ्लर्टिंग कर रहा है, मतलब आप कहीं भी देखोगे ट्रैवल का, कहीं ना कहीं मॉल का या फिर पार्टी सार्टी कुछ का भी ये कुछ लगा सकता है, या सोशल मीडिया पे डाल सकता है या फिर स्टेटस डाल सकता है, लेकिन ये बंदा को कुछ समय के बाद ये महसूस होना शुरू होगा डियर, ठीक है। लेकिन किसी के पर्सन आंसुओं में रो रहे हैं डियर, आपको पाकर वो बहुत धन्य है कि आप उनके लाइफ में आए, लेकिन कभी कभी आप भी बहुत कंफ्यूज हो जाते इस पर्सन के प्रभाव, इनके विचार, इनके बातों से, कि आपको समझ में नहीं आता ये बंदा चाहता मेरे से क्या है। देखिए इस बंदा के अंदर क्या है ना, बैलेंस नाम की चीज है,
ठीक है ना, ये बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेता है। और आप हो इमोशनल तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता है, बस रोना है धोना है, बस इंतजार करना है, ठीक है। लेकिन मैं बोल दूं, अगर ये मैरिड भी हैं तो भी ये आपके बेहद प्यार करते हैं, और एक एनर्जी ऐसी भी कि आपको आपके पार्टनर कोई भी है वो आपको धोखा और चीट कर रहे हैं। इस वक्त किसी के पार्टनर 1 वीक के अंदर रियूनियन, मुलाकात, बात और सॉरी फील करेंगे। लेकिन एक बनता याद रखिएगा कि 1 वीक के बाद ये कॉल मैसेज करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, या फिर ज्यादा भी टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि ये फ्लर्टिंग कर रहा है, आपको जला रहा है, ये बंदा आपको झुकाना चाहता है। मेल हो फीमेल हो डियर, कोई भी आपका पर्सन हो सकता है, लेकिन ये भी मैरिड हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके पास ऑप्शन है। इसलिए मैं बोलूंगी आप जो रो रहे हो, धो रहे हो, एकांत में हो और अपने लाइफ से बहुत ज्यादा उलझ गए और आपको समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ व्यूअर्स के लिए है, ठीक है। लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स आप लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है, फील कर रही है, कहना चाहते हैं। दो एनर्जियां निकल कर आई है डियर, एक पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, फ्लर्टिंग कर रहे हैं, फिजिकल किसी से हो रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको जेलसी फील करा रहे हैं। एक बंदा आपके बारे में रो रहे हैं, मिस कर रहे हैं और आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको जीवन साथी बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इमेजिन कर रहे हैं आपको अपनी घर की फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, ठीक है। काफी गहराइयों तक आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत एहसास है आपको, लेकिन हो सकता है डियर आज किसी वक्त आपके पर्सन कभी भी इनका मूड हुआ तो लेट नाइट भी आपके तरफ कॉल मैसेज कर सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी कि कभी भी इनका मूड स्विंग हो सकता है, अगर सोते रहेंगे तो जाकर भी आपके पास ये कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कंफ्यूज्ड है ये पर्सन किसी मामले में, चाहे इस रिश्ते को लेकर, लेकिन माइंड में इनका कुछ चल रहा है, जगल होता है ना, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जगल, ठीक है, जगल। अब इस पर्सन को ना जैसे जैसे शाम रात लेट नाइट होती है, अब इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा फील होने लगती है आपको लेकर, तो इमेजिन करना, फील करना। लेकिन कुछ लोग के पार्टनर कभी भी उनका मूड स्विंग हो सकता है आपके तरफ कॉल मैसेज करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे शाम और रात होती है, लेट नाइट होती है, तो इनकी फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रांग होने लगती है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, जिसके पार्टनर ये काम नहीं कर रहे, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं फ्लर्टिंग कर रहे हैं, और उसके पार्टनर जो मिस कर रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो कभी भी लेट नाइट भी आपके तरफ कॉल मैसेज कर सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और आज रात मुझे ऐसा भी लग रहा कि आज रात मुझे लग रहा ये बहुत मिस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, मजबूर है, लेकिन कम चांसेस है, बहुत लोग का कम चांसेस है कि कॉल मैसेज आएगा, लेकिन कुछ लोग का कॉल मैसेज वीडियो कॉल भी आ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे रात होगी इनका तन्हा, इनको अकेलापन कहीं ना कहीं रुलाएगी, आपके फोटो को देखकर बात करना नहीं हो तो नींद खुली तो आपके तरफ कॉल मैसेज भी करना चाहेंगे, लेकिन रेयर लोग का कॉल मैसेज वीडियो कॉल आने वाला है डियर। लेकिन कुछ लोग का बिल्कुल नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ जो सच्चाई दिख रही है मैं वही बोल रही हूँ, आपको रोना धोना नहीं है। जो भी पर्सन है उनके लाइफ में ऑप्शन है, वो फ्लर्टिंग कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं किसी और के साथ भी, जिसको कहते हैं फ्लर्टिंग करना, ऐश करना, मतलब समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ, है ना, तो आप उसके लिए रोना नहीं है आपको, ठीक है ना। और कुछ के पर्सन तो आप ही को कह रहे हैं कि सिर्फ तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। तो ये एनर्जी है, दो तरह की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। यहाँ एक फ्लर्टिंग कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, एक आपसे बेहद प्यार करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको मिस कर रहे हैं, और ये पर्सन आपके तरफ कॉल मैसेज कर सकते हैं। कुछ के पर्सन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने लाइफ में वो मस्त है बंदा, ऐश कर रहे हैं। अगर लाइफ पार्टनर कोई उनके करंट पार्टनर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको, उनके लिए सब कुछ है, बट आपके लिए तो कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है, मेरे कुछ भी। अगर आप रो रहे हो, तड़प रहे हो और उनके बारे में काफी सोचे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, डियर उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके अलावे भी उनके लाइफ में कोई और आ चुका है, एक नहीं कई दोस्त हैं जहां वो फ्लर्टिंग करते हैं, मतलब कि अभी इनका वक्त अभी आया नहीं, अब शुरू होगा डियर। अगर आप वीडियो देख रहे हो, रो रहे हो और आपका 1 वीक तक कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए बंदा क्या कर रहा है अपने लाइफ में, और 1 वीक के बाद इसका असर देखिएगा कि वो आपके तरफ एक्शन लेंगे, टेक्स्ट करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, लेकिन आप बहुत वहां पे खुद को बैलेंस करे हुए रखोगे 1 वीक के बाद डियर। आपकी एनर्जी जो रो रहे हो, तड़प रहे हो, हेडक, डिप्रेशन, टेंशन, रोना, धोखा, चीटिंग, ऐसा क्यों वैसा क्यों,
ये एनर्जी वन वीक के बाद आप देखना कि आपकी एनर्जी क्या होगी। इस बंदे को आप इग्नोर करना शुरू कर दोगे, लेकिन फिर भी आप इमोशनल हो सकते हो। कंट्रोल लीजिएगा, रोना धोना बंद कीजिए। और किसी के पार्टनर बेहद प्यार करते हैं, आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते, ये प्लानिंग चल रही है आज रात। कुछ लोग का कॉल मैसेज आएगा, कुछ लोग का फोटो देखकर बात होगी, कुछ लोग के पार्टनर कॉल ही नहीं करेंगे डियर। तो यहाँ पे साइन मैं बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत कैंसर स्ट्रांग मुझे कैंसर दिख रहे हैं, ठीक है। कैंसर हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लियो, टॉरस, ये साइन मुझे दिख रहे हैं डियर, ठीक है। आप अपने करियर पर फोकस कीजिए, लोगों के बुरे नजरियों से आपको बचना है, ठीक है। कुछ लोग हैं, मुझे ऐसा फील यहां हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं डियर, ठीक है। ये कोई भी हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स, ये आपके लिए है। कोई है, ये आपकी सोसाइटी हो सकती है, आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकती है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके अपने कजन ब्रदर सिस्टर भी कोई हो सकते हैं, आपके क्लोज जिनको आप दिल की बात शेयर करते हो उसमें से भी कोई घातक है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। दो मुंह सांप है डियर कोई, ठीक है। यहाँ पे एकदम से कंट्रोल रहना है, साइलेंस रहना है, अपने अपने ज्ञान, अपने नॉलेज, अपने मेडिटेशन की तरफ ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ दो तरह की एनर्जी आई है, कौन दो मुंह सांप है, कौन आपसे प्यार करता है, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। ये तो एनर्जी है बाबू, एनर्जी चेंज होती है। अपना हिम्मत बढ़ाए रखें, ठीक है, हार नहीं माने। जिसने जो किया है उनको सजा तो मिलेगी और बुरी तरह मिलेगी, ठीक है ना। बोलने से किसी को कुछ होता नहीं, जब अंतरात्मा रोती है ना तो वहां परमात्मा के घर में आवाज होती है। जब परमात्मा के घर में आवाज होती है तो उनके लाठी में आवाज नहीं होती है। उसी को कहते हैं कर्मा, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा डियर। बस जिसने आपको धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है या दे रही है डियर, आने वाले टाइम में आप देखोगे और सुनोगे। पहले खुद को बदलिए, ठीक है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस वक्त उलझे हुए हैं। कुछ लोग सुलझना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग सुलझना चाहते हैं। तो यहाँ दो एनर्जी है, तो आप लोग को सिर्फ पॉजिटिव रहना है और अपने पार्टनर के बारे में देखिए अच्छा ही सोचिए, मैं बुरा नहीं बोलूंगी, क्योंकि उसके बारे में अच्छा सोचना, आप अच्छा चीज क्रिएट करते हो, मतलब अच्छी खुशियां क्रिएट करते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, ठीक है। इसलिए किसी को बुरा नहीं बोलना, हाँ, लेकिन अपने दिल की बात शेयर मत कीजिए और दूसरों के बारे में कभी भी अपने मन से अशब्द मत बोलिए डियर, ठीक है। किसी के लिए मतलब जो करा उसके अपने कर्मा है, आप अच्छे कर्मा कीजिए, मैं यही गाइडेंस दूंगी, ठीक है। तो चलिए, यही थी आज आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, वो क्या फील कर रहे हैं। तो दो एनर्जियां निकल कर आई है डियर, देखिए आपकी एनर्जी कौन है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे डियर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।